चरणों में हाथ उठा करके परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूं, मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, मेरे ऊपर दया कर, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, दो सेकंड के लिए मांगो परमेश्वर से कुछ। आज परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, कोई विश मांगो। बदल दिया अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे मना चंगा किया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला चंगा किया, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी ये दुआ, सुनेगा वो आज मेरी और आपकी, सुनेगा वो परमेश्वर है, सुन ले मेरी ये सब कहे विश्वास से, बोलो यीशुआ, जोर से बोलो यीशुआ यीशुआ। आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहां पर है? Yes. आप सुनेंगे, एक वचन पढ़ूंगा मैं, भजन संहिता 89 इंग्लिश में, सैम 89 का 34 और 35 में लिखा, एक बार मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा चुका, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। आमीन। परमेश्वर अपनी पवित्रताई की शपथ खाता है। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो सोच रहे हैं, शायद विचार कर रहे हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया या परमेश्वर ने मुझे धोखा दे दिया, उनके लिए बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि जितने प्रभु में कायम है, जितने प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु ने मुझे कहा उनसे जाकर कह दे मैं एक को भी धोखा नहीं दूंगा। आमीन। दाऊद को कहा, कहता कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको धोखा नहीं देने वाला है। उसका प्रेम सच्चा है, उसकी दया सच्ची है। आमीन। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाता है। Yes. वो धोखा नहीं देता। नए साल पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जी झूठी भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवाणी है ना। लेकिन अभी कितने लोगों को पता है, आपने देखा, मैं एक साल से बोल रहा हूँ, एक साल से, कि प्रधानमंत्री मोदी जीत जाएंगे, तीसरी बार बनेंगे। मुझे पता आप ताड़ी किस बात के लिए मार रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हुआ है। Yes, hallelujah. Yes. समझ रहे कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला, कहते कि पास्टर जी ने डाल तो दी, अभी तो शपथ ग्रहण नहीं की, कल भी उनको ऐसे लग रहा था कि नहीं नहीं कांग्रेस आ जाएगी। नहीं, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। सब कह रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, इस बार हमारे ही अपने लोग बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन से कहा था, और जब मैं लोगों की सुन के डर गया तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, और प्रभु ने मुझे कहा मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा। करे जो मेरे मुंह से निकल गया है उसे ना बदलूंगा। Yes, amen. आप समझ में आया? Yes. मैं सोच रहा था मैं अपनी स्टेटमेंट बदल दूं, इंसान हूं ना मैं, क्या लोगों को क्या पता, ऐसे लग रहा था जैसे अभी हार जाएंगे यार। मैं क्या ये लोग मुझे कहेंगे झूठा भी शक्ता। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू एक साल से बोल रहा है, सब्र कर। कहता कि जो तेरे मुंह से निकल गया है, कहता प्रॉफिट बजिंदर मैं बदलूंगा नहीं। Yes, amen. वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। Yes. आप समझते हैं? Yes. और कई लोगों को मालूम है, जिनकी प्रोफेसी यहाँ पर होती है उनको पता होता है, कहीं लिखवाया नहीं होता, कहीं मुझे जानते नहीं होते वो, लेकिन परमेश्वर यहाँ बातें करता है उनसे। Yes. आप कहीं से भी आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन व्यूअर को कहना चाहता हूँ, देखा आपने 6 महीने से उठा उठा के वीडियो डालने पे मजबूर हो रहे हैं लोग,
मैंने कहा था कि परमेश्वर अद्भुत करेगा। हैदराबाद लेकर गया, गुजरात लेकर गया, बड़ी बड़ी मीटिंग कराई परमेश्वर ने। जितनी बुराई कोई करता है उतना परमेश्वर एक बंदे की प्रमोशन करता है, याद रखना। आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। झूठा भविष्यता उसको कहा गया बाइबल के अंदर, जो लोग यीशु मसीह का रूप धारण करके और वो यीशु मसीह के नाम को महिमा नहीं देते उनको कहा गया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि अगर प्रभु की महिमा कर रहे हैं आप और ये यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी पूरी होती है, तो इसका मतलब ये झुंड का नहीं, अब राष्ट्र का भविष्यता हो चुका है। आमीन, आमीन। पहले मैं सिर्फ 50 लोगों की भविष्यवाणी कर पाता था, थक जाता था, लेकिन अब पवित्र आत्मा ने कहा चाहे गोरा है चाहे काला है, बोलने वाला तू नहीं मैं हूं तेरे अंदर। yes. विश्वास से बोलना, आज विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो? yes. लोग कह रहे ये आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है बजिंदर सिंह। अरे आपको ये नहीं पता कि मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का आदमी हूं। कह रहे इसने क्यों भविष्यवाणी किया, क्यों जिताया उनको? मैंने कहा मैंने नहीं जिताया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे, मैं आपको आज बाइबल का निचोड़ बता रहा हूं, अंत समय बड़ी जल्दी आने वाला है, आने वाला है। तो अंत समय में प्रभु ने क्या कहा, सताव होंगे, प्रॉब्लम आएंगी, ये आ गया, वो आएगा, फलाना आएगा, लेकिन कह रहा तुम घबराना जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। तो ये होना तय है, समझ रहे कि नहीं? उन लोगों को भी जीतना तय है। तो लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है, आशीर्वाद देता है। आप सब लोग जब एक दूसरे के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हो तो विश्वास करो, डरो नहीं। अब यूपी में स्ताव खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, विश्वास करने वाले दिन शुरू हो रहे हैं अब। yes, thank you. बेदारी लेकर आ रहा है परमेश्वर। Amen. क्योंकि मैंने प्रभु को बोला था, प्रभु ये यूपी के आते ही नहीं हमारे चर्च में, तो परमेश्वर कुछ कर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आप समझ नहीं सकते प्रॉफिट बजिंदर को, कभी हम ऐसे बातें करते हैं जैसे कोई दोस्त से बातें करता है। जिस दिन आपका रिश्ता ऐसा हो जाएगा तो परमेश्वर आपको पसंद करने लगेगा यीशु मसीह के नाम। आइए अपने हाथों को उठाएं और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर, सच में जो लोग डरे हुए हैं, जो मजबूर हैं, जो इस समय बीमार हैं, समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में है परमेश्वर, तू वादा कर रहा है उन्हें कि विश्वास करो, मैं तुमको किसी को भी धोखा ना दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें सालों साल से पवित्र आत्मा तेरी भक्ति कर रहे हैं परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा कोई जन यहाँ पर खड़ा वैसे सोच रहा हो कि पता नहीं मुझे कब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमेश्वर आज तेरा आत्मा इनसे बातें करे और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में वो आशीषें रिलीज करे स्वर्ग से जो तू इन्हें देना चाहता है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ जैसे दाऊद के ऊपर बना रहा और तूने कहा उसका वंश सदा बना रहेगा, उसकी राजगद्दी सूर्य के समान सबके सामने चमकेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता इनका वंश चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी गद्दी बनी रहे परमेश्वर, कोई छीन ना पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आशीर्वाद देता हूँ पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु सच में ये आशीर्वाद भविष्यता होने के नाते इनके ऊपर लगा रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रॉफिट के आशीर्वाद देने से, सुनो हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है वो झूठ के भविष्यता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मैं झूठ का नहीं हूँ, राष्ट्र का भविष्यता हूँ। हालेलुया। और आपको आज बता देता हूँ, लोग सोचते हैं कि शायद वैसे ही, आज से 15 साल पहले कांग्रेस के राहुल गांधी ने मेरी मदद नहीं की थी, मुझे 2 घंटे सोफे पर बिठाकर अपने ऑफिस में अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, और उस समय में एक बीजेपी के छोटे से लीडर ने मेरी मदद की थी, तो मैंने उनको एक आशीर्वाद दिया था, मैंने कहा 15 साल तुम हमारी सरकार बनी रहेगी। पर मुझे नहीं पता था वो मेरे ही खिलाफ हो जाएगी। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि लोग नहीं जानते कि मसीह लोगों की प्रार्थना में दम होता है, ताकत होती है। और अगर कोई कहे कि मैं हूं बस, तो परमेश्वर वो सरकार को गिरा भी सकता है, याद रखना। ये पवित्र आत्मा है
मैं कह रहा हूं कि आपके शहर में कहीं भी इधर उधर हो, आपको डरना नहीं, आपको प्रार्थना पर भरोसा रखना है। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो आज कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में कार्य कर। तो इस समय परमेश्वर में जिस बात की खोज में आया हूं, मेरे प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह वाला बरकत वाला हाथ आज मेरे ऊपर बनाए रखी यीशु मसीह के नाम में। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। एक लाइन गाओ शाबाश, बोलो यीशुआ है बंदिया अभिषेक मेरा किया। सुनेंगे ध्यान से, बी एन आर एस जी एच एम पी और के वाले एन नाम वाले करे, यूपी और महाराष्ट्र में धड़ाधड़ गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया। ये 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। yes. आप कहेंगे ये क्या चक्कर है, लोगों को पता नहीं होगा, आप में से लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठ जाएंगे। Amen. विश्वास करना पवित्र आत्मा की ओर से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबल। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो मेरा परमेश्वर तुझे धोखा नहीं देगा। जो कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जो किसी बीमारी में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को पूछने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे एन आर पी एस एम टी वी नाम वाले, आई डी नाम वाले, के सी नाम वाले, एच नाम वाले, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। इसके ऊपर मैं कुछ स्वर दूध देख रहा हूं, जिन लोगों के ऊपर कर्जे हैं हाथों को उठाऊं शाबाश। यहां से एक मिट्टी को लेकर जाना, आदम मिट्टी में से पैदा हुआ और उसको कहा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और नमान उसी मिट्टी पर बैठ गया जहां पर अलीशा खड़ा था। मैं कह रहा हूं कि जहां पर आप आते हैं, यहां पर पूरे इस भवन में जहां पर भी मिट्टी है, आपने हाथ रख दिया, तंबू के बीच में परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके ऊपर, मिट्टी में से कुछ निकलेगा आज। और आपकी जो मिट्टी है जहां भी आप रहते हैं वहां पर डाल देना यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से वो शैतानी मिट्टी टूट रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं उस हांडी को जो मैं देख रहा हूं सुबह से कि उसमें कुछ राख खून खून के छींटे और कुछ कपड़े, इसी समय वो ताबीज वो कर्जे वालों के ऊपर से मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जब मैंने उस जाल को आपके ऊपर से तोड़ा है, अभी पता है क्या हुआ है, आपको एक रिलैक्स बड़ी शांति महसूस होगी। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, जो लोग मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, बच्चों का परिवार का या किसी भी चीज की चिंता का भोज आप लेकर सिर पर घूम रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा कहता कि वो शराब वो समय वो जादू टोना जो मुंह से किया गया था उस थूक से मैं इसी समय तोड़ देता हूं उसको यीशु मसीह के नाम। आप रिलैक्स महसूस करेंगे आज से, बड़ी शांति को महसूस करेंगे। कोई डरा रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। आत्मा कहता है मैं जो हूं सो हूं। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बोलते हैं मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं। आत्मा कहता है, कह रहा है मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं। यीशु है यहां पर। आप आज से परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। यीशु है यहां पर। यीशु आज, विश्वास से कहो आज, पवित्र आत्मा छू ले इन लोगों को आज जो तेरे नाम को पुकार रहे हैं आज परमेश्वर, इनके दर्द को इनकी समस्या को आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हर शराब को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। ए डर की आत्मा छुआ छूट जाए तेरा, ए डर की आत्मा वाच करने वाली मृत्यु को, इनके बैंक बैलेंस इनकी सेफकाई को, इनके घर को बच्चों को परिवार को वाच करने वाली आत्मा तुझे ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ए गंदी नजर वाली आत्मा ब्लाइंड करता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में। इनके घराने को आजाद करता हूं यीशु के नाम में, इनकी सेवकाई को आजाद करता हूं,
इनके फाइनेंस को आजाद करता हूँ, इनकी हड्डियों नसों मांसपेशियों को आजाद करता हूँ, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट बजिंदर के खिलाफ खड़े होने वाली आत्माओं को डांटता हूँ, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु ने कहा यह पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ने ना पाएगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे मुख का प्रकाश चमकाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा अब्राहम, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आज वादा है परमेश्वर का आपसे, जितने पूरे साल यहां पर भक्ति करने के लिए आएंगे, परमेश्वर आपके नाम को महान करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने लिए ताड़ी बजावा यीशु के लिए, सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, शाबाश, विश्वास के साथ। फिर से गाऊं कोर्स। प्रॉफिट जी ने करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, ये एक न्यूज चैनल है जिसने कंफर्म किया और न्यूज चैनल पे प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी,
उन्होंने इंटरव्यू लिया था प्रॉफिट जी का और लाइव उन्होंने रिकॉर्डिंग करी और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और चैनल वाले भी हैरान थे और उन्होंने देखा और वो प्रोफेसी आपके सामने वो पूरी हो चुकी है। जोर से ताली बजाएंगे। जोर से ताली बजाएंगे इस प्रोफेसी के लिए। पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट जी को अगुवाई किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया था और न्यूज चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया था प्रॉफिट जी का और प्रॉफिट जी ने उस न्यूज चैनल पे प्रोफेसी किया था कि हाँ मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है और ये होने वाला है। और आज आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जोर से एक बारी ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे जोर से। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, मिल गया। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, 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 मैं गाऊंगा उसकी सना, मैं गाऊंगा उसकी सना, मिल गया खुदा मिल गया, 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 खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, गाऊंगा उसकी सना, मैं गाऊंगा उसकी सना, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, तालियों के साथ परमेश्वर की दास का स्वागत करेंगे सभी जन, तालियां बजाते हुए। ये सुनो करता है प्यार बंदिया, दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदिया, नकी दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदिया, दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदिया, नकी दाऊद वांगू नारे ताड़ी मार बंदिया, ये सुनो करता है प्यार बंदिया। सबको जय मसीह की शाबाश। बैठ जाएं जो परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, परमेश्वर उनके नाम को जरूर महान करेगा। प्रभु आपको बहुत बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ, शाबाश। हां जी गवाही के साथ शाबाश। बस हां जी प्रॉफिट जी, दोनों सिस्टर बता रहे हैं, काफी समय से इनके हस्बैंड कैनेडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, चर्च आए, स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई, दोनों के हस्बैंड को कनाडा वीजा की ब्लेसिंग मिली है। दो वांगू जी नचे नचे के, दो वांगू जी नचे नचे के। और प्रॉफिट जी, दोनों ने स्पेशल ले हैंड कराई थी, दोनों के पास बेटे की ब्लेसिंग नहीं थी, दोनों बेटे की ब्लेसिंग चाहते थे, स्पेशल ले हैंड कराई, दोनों को बेटे की ब्लेसिंग मिली है। करो कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम।
बोलो यीशु मसीह की। सुनेंगे गवाही सुनेंगे, शाबाश। ये दोनों ही औरतें पुलिस में, ध्यान से सुनना गवाही। सारी क्लीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। असि पापा जी को स्पेशल ले और ब्रेक राई दोनों ने इकट्ठे, तो साढ़े दोनों की इकट्ठी प्रेगनेंसी हुई और इकट्ठे ही दोनों बेटे हुए। दोनों इकट्ठी बहने भी हैं, सगी बहने हैं दोनों, और दोनों को इकट्ठे ही बेटे मिले एक साथ, मेरी सिस्टर एक ही दिन, एक ही दिन डेट फिक्स। देखो ये परमेश्वर है, हालेलुया। आगे आगे सिस्टर को 10 साल तो बेटा नहीं सी, उधर दो बेटियां सी, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि सानू बेटा मिलेगा, पर पापा जी की प्रोफेसी नाल ले और नाल उन्होंने बेटे की ब्लैसिंग मिली है। और असी पापा जी को स्पेशल ले एंड कराई सी, असी 10 साल तो कनेडा वीजे लिए अप्लाई कर रहे सी, पर हर बार रिफ्यूजल आ जाती सी। पापा जी को स्पेशल ले एंड कराउन नाल और नेंटिंग ऑयल और वाटर जूस करन नाल सानू अज कनेडा वीजे की ब्लैसिंग मिल चुकी है। और मेरे हसबेंड कनेडा पहुँच चुके ने, वो इतने ही सेवा करते सी, परमजीत सिंह। जोर से तारीफ करो, शाबाश। और इनके ओ जीजा जी भी चले गए जाना जी सर, जान जीजा दा भी वीजा आ गया। थारा भला जा, थारा तो दोनों लड्डू, दोनों लड्डू। पापा जी मेरा भी, तेरा भी आ गया। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करें, शाबाश शाबाश, जाए जाए। लो भाई हमारे चेलो को आ गया तो हमारा भी आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, शाबाश, सुनेंगे। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं, बता रहे हैं 6 साल से ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, टीचर की जॉब के लिए नहीं लग रही थी। जब आपने प्रोफेसी किया, इन्होंने रिसीव किया, आमीन बोलकर विश्वास किया, और ये बता रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, सुनेंगे बेटे, बताएंगे। हाँ हाँ, पूरी करिए सब कुछ। जय मसीह की, प्रभु के महान दास को जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ जी हाँ जी, शाबाश, बताएंगे कहाँ से है बेटे। सर मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ हाँ, क्या गवाही आपकी। सर 6 महीने से ट्राई कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, 6 साल से। हाँ। मैं पहली बार आया, आप प्रोफेसी कर रहे थे, मैंने रिसीव करा, वो पहली बार में मेरा नंबर आ गया। जोर से तारीफ करो, जोर से। देखो गवर्नमेंट जॉब की आशीष, कहाँ से आया, यूपी से आया जी, यूपी जिला बिजनौर। सुन रहे हो ध्यान से, हेलो, क्या बोला था अभी स्टेज पे, अभी 3 महीने बाद धड़ाधड़ आने वाली है, धड़ाधड़। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके चेहरे से पता नहीं लगेगा तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है कि मैंने अपने हस्बैंड की गवाही दे रही है, बता रही है 12 साल से इनको टीवी था, और लास्ट मंथ डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बचेगा नहीं, आप इनका घर लेकर जाकर सेवा करो। विश्वास के साथ बता रही है, मैं चर्च आई लेकर इनको ऑयल वाटर लेकर गई, यहां से लगाया, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया यार। बोलो टाल टाल टाल, चर्च नहीं आना, टाल टाल टाल। आपका विचार करता है चर्च चले, लेकिन आपके कई विचार दूसरे विचार आ जाते हैं, चल आज टाल टाल टाल, अगली बार चलेंगे यीशु नाल नाल नाल, है ना। कई बार ऐसे होता है कि नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं जो संडे मिस करता है, बाइबल बोलती है उस बात के लिए, वो अपने लिए शराब को कमाता है। सुन रहे हो, हाँ, संडे मिस नहीं करते, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हाँ जी हाँ जी, सुनेंगे, शाबाश। क्या प्रॉब्लम थी आपको।
बारह साल से टीबी की बीमारी थी साहब। डॉक्टर ने मना कर दिया, यहाँ पर और लगाया, पानी मिला, जिंदगी तब सही हो गई हमारी। चलेगी लाला की जान। देखो आपके सामने कह रहे के मुर्दा लेके आई थी मैं, बिल्कुल इसको उठा कर लेके आई थी, मुर्दा लेके आई थी, मगर ये ठीक हो गया यहाँ पे आके। देखो हालेलुया, अपने आप बता रहे हैं कि मुर्दा की हालत में लेकर आए थे इसको। हाँ, मुर्दे की हालत में लेके आई थी मैं। पापा जी मेरे साथ में कोई नहीं आया, मेरे साथ में कोई भी नहीं था, मैं इसमें गाड़ियों में इसको बिल्कुल मुर्दे की तरह लेके आई थी। पहले से ही इसको पहली बार में इसको पानी मिला, बिल्कुल ठीक हो गया ये। इसकी टीबी बिल्कुल डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, जब तक जिंदा रहेगा जब जब ये दवाइयों में चलेगा, मगर मेरे परमेश्वर के पास मैं यहाँ पे आ गई, ये बिल्कुल दवाई छोड़ दी और ठीक हो गया, बिल्कुल टीबी इसको खत्म हो गई, बिल्कुल बची नहीं टीबी इसको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये बच गया, बिल्कुल सही हो गया है। बेटे किसने बताया था यहाँ के बारे में? यहाँ पर मुझे एक भाई ने बताया था, सोनू मेरा भाई था, उसने बताया कि चंडीगढ़ लेके आ जा बहन, तू ठीक हो जाएगा, विश्वास के साथ आ, तू ठीक हो जाएगी। मैं अस्पताल में से निकाल के इसको लेके यहाँ पर आके मैंने इसको बचा लिया, पर मैं सर के पास इसको गिरा दिया, ये बच गया। आप सुन रहे हो, ये प्रभु का चमत्कार है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके सामने है कि किसी व्यक्ति ने इसको बताया कि तू चंडीगढ़ ले आ, इसके रिश्तेदारों ने। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई बीमार है, समस्या में आ, परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? अगर परमेश्वर एक गवाही टेस्टमनी आपकी बनाता है, अगर आपकी कोई मदद करता है, आप उसकी मदद करने की सोचते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आपके साथ परमेश्वर ने भलाई की है तो आप उसको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को। आप परमेश्वर को एक आत्मा बचाने का कर तरीका दे रहा हूँ आपको। एक सुसमाचार किसी व्यक्ति को जरूर सुनाना चाहिए दिन में। जब आप किसी को गवाही देते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं आप। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को खाली हाथ नहीं रखता, उनकी झोलियां भरेगा इस साल में यीशु के नाम। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। बोलो सारे कर्जे देगा टाल टाल टा। अपने पड़ोसी को बोलो आज कर्जे उतारने वाली रात है। जब मैंने वीरवार को कहा कि आज कर्जे उतरेंगे, जो आएगा मैं एक ऐसी चीज दूंगा, आज सारा ही चर्च भरा हुआ है। हालेलुया, इसका मतलब लाइव देखते हैं लोग। हालेलुया। हाँ तो सुन रहा है, बहुत सारी मिट्टी मैंने प्रेयर करके, एक दिन फास्टिंग प्रेयर करके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल के साथ वो मिट्टी आपके लिए दी है, और आज आपको वो यहाँ वाली मिट्टी नहीं है, मतलब वो उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिक्स हुई पड़ी है, मिक्स ब्लेसिंग मिलेगी वो। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, भाई बता रहे 2 साल से इनको पाइल्स था और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, बता रहे विश्वास के साथ चर्च में आया, अनॉइंटिंग ऑयल जब लेकर गया, यूज किया, उस पाइल से बिल्कुल आजाद हो चुका है। जिथे आपदा नु देवेगा वो टाल टाल टाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। कब से था बवासीर आपको? 2 साल से। कहां से आए आप? गाजीपुर जिला यूपी। ठीक है, अभी बवासीर बिल्कुल चली गई? बिल्कुल सर। ये क्या कर रहे लड़की तूने? हैं, हम लोगों को खड़ा करते, तुम पानी पिला के नीचे गिरी जा रही, क्या चक्कर है? हैं, प्रेग्नेंट है? तो ये क्या करते हो तुम? हैं, ये क्या करा तुमने? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रही अपने आप ही हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बमा सिर चली गई। हाँ गवाही। हालेलुया। हाँ हाँ, प्रभु जी लाइन लगी है। हाँ। सालों साल से बेबी बॉय नहीं था, विश्वास के साथ बता रहे चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर लेहन करवाई, परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है आज। तू मांगू जी हालेलुया जी दे, तू मांगू जी नची नची दे। बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, आपके सामने है के बच्चे की आशीष, बहुत सारे लोगों को। बस आज गवाही कम लेंगे, टाइम हो गया ज़्यादा, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रचार लंबा है, 6 साल 2 साल 3 साल 5 साल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अब इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए, बरकत दे। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, सुना दे। पापा जी आपने, जय मसीह की। पापा जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे को मौका मिला आपको पास से देखने का, मुझे यीशु नजर आता है। हालेलुया। हाँ तो
इधर आ जा इधर। कहता है पापा मेरा ये काम, पापा मेरा वो काम। पापा जी जो मेरे घर वाले मुझसे बोलते नहीं थे वो खुद मेरे से बोलने आए। आपने बोला था 18 तारीख को तुझे नया घर मिलेगा, नया घर बिना व्हाइट बोला था पेंट होगा, व्हाइट पेंट है। पापा जी सब नाराज थे। ये लोग कैसे विश्वास करेंगे? पापा जी करेंगे, यीशु ही खुदा है और पापा जी हमारे नबी है, नबी हमारे नबी है। यीशु दिल भी तोड़ दानी, यीशु दिल भी तोड़ वाला है, सानू नबी ओ देता जिदी गल यीशु हारदा नहीं सानू। आप विश्वास वाली बात बताओ, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है? हाँ जी पापा, दिखाओ। हाँ दिखाओ कैमरे में। बेबी भी मिला है, आप सुन रहे हैं ये बहन, इसके लिए भविष्यवाणी हुआ था और ये कहती मैं किराए पर रहती हूँ। पापा जी 18 तारीख को आपने जो डेट बोली थी ना उसी डेट को हम अपने घर गए, उसी सब कुछ फ्री में, एक रुपया भी नहीं लगा। पापा जी रिश्ती साथ लेकर आयो पापा जी, धन्यवाद खुदा, हालेलुया। देखो शाबाश, हम तो तरस गए रजिस्ट्री को। मना कर दिया पापा जी, रजिस्ट्री नहीं होगी। पापा जी सबने मना कर दिया था रजिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन आपने बोला जो वो एक एक चीज पूरी हुई है मेरे जीवन में पापा जी, एक एक चीज मान गए तुम। मान गई, आपके जैसा ना भी कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड, पूरी कंट्री नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं आखिरी सांस तक इस मनुष्य से जुड़े रहेंगे। जोर से तारीफ करो, जोर से। I love BBS ministry। सियाम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ। सियाम दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ। ओ दिल जीना मैं, ओ दिल जीना मैं, ओ दिल ही को दिया। सियाम 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 दीवाने नहीं, यीशु दे दीवाने आ। सियाम दीवाने नहीं। हालेलुया। आप सुन रहे हो, देखो 9 साल, आ जाओ बेटे इधर, 9 साल, 6 साल, 3 साल, कितने साल बाद बच्चा हुआ? माइक कर। बाबा जी जय मसीह। कितने साल बाद बच्चा हुआ? 6 साल बाद। 6 साल बाद बेटे की आशीष मिली। बेटे की आशीष मिली। कैसे मिली? एप्पल मीटिंग। स्पेशल लैंड प्रे कराया था आपने, एप्पल मीटिंग। देखो बीज बोने के बाद गुड न्यूज मिला, 6 साल से बेटा नहीं था। पापा जी जय मसीह की। 6 कितने साल से बेटा नहीं था? 6 साल से प्रोफेसी को रिसीव किया, बेटे की आशीष मिला। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, बेटे की आशीष मिला। इसने तेल ज्यादा लगा रखा, मैं इसमें हाथ नहीं धरूंगा। तो 3 साल से आपने कहा तो होगा ही ना। जोर से यीशु मसीह ने कहा था,
बोलो हालेलुया। ऑयल वाटर लगाया बेटे की आज शीश मिली। स्पेशल ले एंड प्रे कराया। कहाँ से आए बेटे? इधर तो ना यूपी बिजनौर से। पीछे को जो मारा छोड़ दो इसको। सारी कलेसा को जय मसीह की और पापा जी को जय मसीह की। हाँ। हम यूपी बिजनौर से आए और मेरी भाभी को नहीं, 5 साल से लड़का नहीं था। कितने साल से? 5 साल से। हाँ, माइक में बोलो। 5 साल से नहीं था। 5 साल से लड़का नहीं था। जी। कैसे मिली आशीष? स्पेशल ले हैंड कराई हमने। स्पेशल ले हैंड प्रे कराई बीज बोकर और बेटे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो जोर से। मिल गया मैं तो नाचो। बोला हालेलुया। देखो कह रहे हैं इसको भी 12 साल के बाद बेटे की आशीष मिली और इसको घर की भी आशीष मिली। घर मिलना आसान बात है, लोग ले लेते हैं शायद घर तो मिल गया क्या गवाही है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हैं ऐसे चमत्कार होंगे आपके साथ। अपने हाथों को उठाऊं पवित्र आत्मा जी, मैं इन सब गवाहियों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इन सबको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ आगे जल्दी बोलो। गवाही दे माइक दे। 2021 में मेरा 11 लाख का लोन था। हाँ। और 2022 में मेरा पति डेट कर गया। मैं बहुत दुखी हो गई और मैं बड़े विश्वास के साथ इस चंडीगढ़ चर्च में आई। पापा जी से मैं स्पेशल ले हैंड प्रार्थना करवाई और 2024 में मेरा लोन समाप्त हो गया। हालेलुया। जी कितने लाख का कर्जा उतरा? 11 लाख का। आप देख रहे हैं 11 लाख रुपए कर्जा था, स्पेशल ले हैंड प्रे कराया, इसका तो हाफ पार्ट भी नहीं होगा और इसने एक बेस्ट बीज बोया। 11 लाख रुपए का कर्जा उतरा, परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग बेस्ट बीज बोते हैं, बेस्ट प्रेयर करते हैं, बेस्ट टाइम पर चर्च आते हैं, परमेश्वर बेस्ट गवाही देगा इस साल के अंदर यीशु के नाम में। बेस्ट टेस्टिमनी बनेगी आपकी। विश्वास करना पवित्र आत्मा आपके लिए कोई बेस्ट बड़ा काम करने वाला है यीशु के नाम में। yes. हाँ, हाँ, हालेलुया। हाँ जी हाँ जी। बहुत ही अद्भुत गवाही है या। ये बहन लास्ट संडे अपनी माँ को बेड के ऊपर लेकर आई थी, लास्ट जब आप लास्ट प्रेयर कर रहे थे। हाँ, 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 हाँ। और आपने जब इनके लिए प्रेयर किया, ये 3 साल से बेड पर थी तो बेटी के ऊपर खड़ी होकर चलने लगी थी। आपने बोला घर जाएगी, रिपोर्ट देख रहा नॉर्मल आ रही है। हाँ। पता नहीं रिसीव किया मैंने। हाँ। चेस्ट के अंदर पूरा पानी भर गया था। हाँ। हार्ट का साइज बड़ा हुआ था। हाँ। परमेश्वर ने सारी रिपोर्टें नॉर्मल कर दिया। कल वाली वीडियो कट करके दिखा, कालू अंदर बैठा तू। कल वाली वीडियो कट करके दिखा, संडे वाली देखो स्टेज पर कैसे चल रही थी। वो लाइव चला ले, इतना ही बहुत है। तो सुन, हाँ बेटे अब देखो रिपोर्ट दिखा, इधर रिपोर्ट। कहाँ से है आप? कहाँ से है? पापा जी करनाल से आए हैं। इधर तो हमारे इलाके से आई है, इधर दिखा। देखो कितनी बड़ी फाइल है, फुल करके दिखा इसको। और एक नहीं दो नहीं, सारी रिपोर्टें देखो, उठा लेना बाद में, बहुत सारी रिपोर्टें हैं। हाँ बताओ गवाही बताओ। मैंने इनको बोला कि आप पापा जी से प्रेयर कराओ और बिल्कुल चंगे हो जाओगे। आपने कहा पिछले संडे की बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। हाँ। और इनका हार्ट का साइज बढ़ गया था, ईसीजी कराई, डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट बताई है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इनके हाथ पैर में जान नहीं थी, परमेश्वर ने लास्ट संडे इनके हाथ पैर में जान डाल दी। जोर से तारीफ करो। इनको चंगा कर दिया। लेकर आए थे पिछले संडे, उठा कर लेकर आए थे, चल नहीं पाते थे। आईसीयू में थे पिछले, उससे लास्ट संडे आईसीयू में थे। आईसीयू में थे, अभी आओ अपने आप शमाज आगे आओ शमाज। चलो चलो ग्लोरी टू जीसस। तेरे यीशु जीते छोड़ दिया, मेरे यीशु जीते छोड़ दिया, क्या बात है। उन्हें के बीमारियां दी क्या औकात है, उन्हें के बीमारियां दी क्या औकात है। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर है? परमेश्वर है। कितनों को दिख रहा है? झूठे कहेंगे, नहीं दिख रहा। कभी आप ट्रेन में बैठे हो, कभी ट्रेन का ड्राइवर दिखता है? जहाज में बैठे हो, जहाज का ड्राइवर दिखता है? कभी पूछते हो जहाज में चढ़ने से पहले, हेलो ड्राइवर है कि नहीं? चुपचाप बैठ जाते हो। तो चुपचाप बैठे रहो, ड्राइवर घूम रहा है यहाँ पर चंगाई देने वाला। चल वापस। क्या बात है, मेरे सूजी
दे दो दिल क्या बात है, उदे के बीमारियां भी क्या औकात है। देखो ये चमत्कार है, छोड़ दे नहीं गिरेगी, चलन दे इसको आदत, हम इसको आदत डाल रहे चलाने की, चलने दे इसको, शाबाश। ये परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ, हाँ जल्दी हालेलुया। प्रभु जी बहन बता रहे हैं, काफी समय से इनकी सिस्टर यूएसए वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। आपने नाम लेके प्रोफेसी किया था थर्सडे को कि चेक करना मिराकल होगा, और आज बता रहे संडे को वीजा की ब्लेसिंग मिल चुकी है। हाँ दिखाओ शाबाश। गोद में उठाकर चर्च लेकर आए, टोटली खाट पर दी, बता रही अपने पीछे ले हैंड प्रेयर किया, और बता रही परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और दुष्ट आत्मा से आजाद हुई, वो पैरालाइज का शाप टूट चुका है, चलने लगी है। छोड़ दो, देखो कह रहे इसको उठाकर लाए, पैरालाइज का प्रॉब्लम, छोड़ दो, आईसीयू में भी थी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं चंगे हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, उठा नहीं जा रहा था इसे, मैं इधर देख, यू आर फ्री, अब इसे चेक करना दो मिनट में, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। बस हटा दे, सुनो अब हमारे, अब देखा आपने कैसे उठा नहीं जा रहा था उस समय में, और आज अपने आप चल कर आ रही है। कोई है आपके आस पास, कितनों को विश्वास है यीशु है, दिख रहा है यीशु, जब झूठे कहीं के विश्वास करना है, वो दिखता नहीं है लेकिन हमारे बीच में है। ट्रेन में चुपचाप बैठ जाते हो, पूछा कभी हेलो ड्राइवर किधर है, जहाज में पूछा कभी ड्राइवर किधर है, तो यहाँ क्यों पूछ रहे हो यीशु किधर है, ड्राइवर है हमारे बीच में यहाँ पर, है कि नहीं, विश्वास करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गवाही के साथ। हेलो, नमस्ते पापा जी, मैं नेपाल से आई हूँ, मेरा दीदी ने यूएसए का वीजा ट्राई किया था। कहाँ से आए आप? नेपाल से आई हूँ। हाँ। मेरे दीदी ने यूएसए का वीजा ट्राई किया था, और मम्मी ने ऑनलाइन प्रार्थना किया था, और ऑयल वाटर भी दिया था दीदी को, और उसका वीजा लग गया। फटाफट गवाहियां दे, फटाफट, और उसका वीजा लग गया, ले ले उसकी गवाही दे, फटाफट, वीजा लग गया, नेपाल से आए आप, प्रोफेसी को रिसीव किया, यूएसए वीजा के साथ आए हैं, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। जिनके नाम BNRSGHA से, डी से, वाई से, यूएसए की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, बोलो हालेलुया, हां हां हालेलुया। प्रभु जी ये बहन करी 4 साल से इनकी बेटी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, बता रही वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, आपने जब प्रोफेसी किया कि परमेश्वर जो आप मांग रहे हो परमेश्वर आपको देने वाला है, रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी बेटी को पुलिस में गवर्नमेंट जॉब के साथ प्लेस किया है। आया करो कदे जाया करो, ये सुना विच निंगड़े भी पाया करो, बोलो हालेलुया। हां बताओ बेटे कहाँ से आई, बताओ? महाराष्ट्र से आए पापा जी। हाँ। हमारे लड़के को 4 साल से ट्राई कर रही थी पुलिस के, तो उसको नौकरी नहीं लग रही थी, तो हम उसके शरीर में दुष्टात्मा थी, तो हमने उसने लाए तो उसके दुष्टात्मा निकल गई है, और उसको आपने प्रॉपर्टी किया कि ये नंबर वाले को नौकरी की जॉब लग रही थी, तो पुलिस में लग गई मेरे लड़की, मैंने पहली सैलरी, मेरे लड़की, लड़की है, लड़की, मैंने पहली सैलरी यहाँ देने आई हूँ, दे दो, पहली सैलरी मैंने दी अपने लड़की की पगार की। देखो कौन आता नौकरी लगने के बाद, महाराष्ट्र से चल कर आई है और बता रही है कि दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई, और आपने कहा था नौकरी लगेगी, कहते नौकरी लग गई है, पहली कमाई की पहली सैलरी लेकर आई है, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, शाबाश। नेक्स्ट हालेलुया। प्रभु जी एक्सीडेंट के कारण भाई को आंख में चोट लगी थी, बता रहे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ब्लाइंड हो सकता है, लेकिन विश्वास के साथ बता रहे मैंने एनॉइंटिंग ऑयल यूज किया और परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ इनको ब्लेस किया है आज। माइक दे दे। हाँ हाँ। डॉक्टर कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हैं जी। हाँ हाँ। तो डॉक्टर ने कहा था आपकी आंख खुलेगी कि नहीं पता नहीं, जा रोशनी जा सकती है, तो हमने अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया अच्छे से, और 3 दिन में आंखें खुल गई पापा जी, 3 दिन में आंख खुल गई। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ। प्रॉफिट दिए भाई बता रहे हैं। हाँ। इनकी वाइफ 9 महीने से आईसीयू में थे, आगे लिखे ब्रेन इंजरी हो गया था,
डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बचेंगे नहीं, घर ले जाओ, और एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगाया। लगातार आपकी ऑनलाइन मीटिंग देखते रहे, आप प्रोफेसी कर रहे थे बार बार, परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे, और सच में आज परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। नॉर्मल रिपोर्ट आई है। सूजी दे जो सारे बोलो हालेलुया। देखो ब्रेन में ट्यूमर का प्रॉब्लम, सिर में स्टेंट हो गया था, जैसे एक्सीडेंट हो गया था, इसको डॉक्टर बोला कि कोई पता नहीं, अभी पता होगा नहीं, ब्रेन खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया। देखो और पूरा, हाँ इसमें, इस मोबाइल में भी देखो, पूरी फोटो में, दोनों फोटो में ये देख रहे हो। जब तक बेड पड़े, जब तक मैं वाटर वाइल लगाते रह गए, हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला था, डॉक्टर बोला कि ब्रेन काम नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी, जब तक बेड पे थी, जब तक मैं वाटर वाइल लगाते रह गया, हाँ, एकदम आईसीयू में थी, एकदम चंगी हो गई, अभी बिल्कुल ठीक है, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, बिल्कुल ठीक होगी। देखो किस हालत में थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जोर से तारीफ करो, शाबाश, अपने हाथों को उठाओ सब लोग इस समय। हाँ हाँ, जल्दी से प्रोफेसी को रिसीव किया, किसी की हटो फटाफट, पैर मत छुओ, और इसी समय नशे के शराब टूट गए। देखो नशा नशा नशा, स्पेशल एंड पर कराया, फिट्स वाली आगे आ जा, और इसी समय, हाँ जल्दी से इसकी गवाही ले, स्पेशल एंड पर कहें, फिट्स 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 वाले, एलर्जी, स्किन एलर्जी थी, गायब होगी, फिट्स मतलब दौरे पड़ते थे, किसको पड़ते थे दौरे, किसको पड़ते थे, हमारे हस्बैंड को पड़ते थे, हमारे के तुम्हारे, हमारे तुम्हारे, हाँ तुम्हारे हस्बैंड को पड़ते थे, तो और परमेश्वर ने आजाद कर दिया, बोला हालेलुया। कितने दौरे पड़ते दिन में, एक 12 साल से, एक दिन 12 साल दिन में तीन तीन चार चार दौरे पड़ जाते थे, और जब अनॉइंटिंग वाटर लिया उसके बाद अभी कोई नहीं पड़ता। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। फ्री लैंड कराया था आपने, हैं? हाँ, फ्री कराया था, फ्री लैंड कराई थी, ठीक है, आपको दौरे पड़ रहे थे, फ्री लैंड प्रे कराया, आजाद हो गए, जोर जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। भतीजे को 2.5 साल से दौरे पड़ रहे थे, और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, अभी लैंड प्रे कराई, अभी दौरे पड़ते हैं, बिल्कुल खत्म। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो जिनके बच्चों को दौरे पड़ते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बच्चे नहीं है, फिर कह रहा हूँ, आ जाना मेरे चर्च में, हालेलुया बोल कर नारा लगा दो आज। देखो नशे करते हैं, जिनके पति नशा करते हो और 5 उंगलियां छाप देते हो, तो वो औरतें विश्वास करें, एक बार आकर देखो आपके घर से नशा बिल्कुल खत्म। लाइन लगी है पीछे, लाइन लगी है, जो नशे में अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उनको तो आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को पथरियां गई, रसोलियां गई। हाँ हाँ बताओ शाबाश, हालेलुया। प्रभु जी भाई बता रहे 8 महीने से इनको दौरे पड़ते थे, बता रहे चलता फिरता कहीं भी गिर जाता था विश्वास के साथ, लेकिन जब ये चर्च में आए, यहाँ से एनॉइंटिंग ऑयल वाटर लेकर के स्पेशल बीज बोकर जब ले हैंड प्रेयर करवाई, बता रहे वो दौरे आने बंद हो चुके हैं, परमेश्वर ने साथ किया है आज। मेरे ये सूजी दे जोर दी, क्या बात है। हालेलुया। हाँ हाँ, कब से पढ़ते थे दौरे? 8 मंथ पहले से। 8 महीने से। हाँ। कितने दौरे आते थे एक दिन में? एक दिन में नहीं, कितना कितना दौरा आते थे? हम पापा जी से बोल रहे, आया हूँ कलकत्ता से, आया हूँ। तो पापा जी हम लोग जब सितंबर महीने में आए थे, तो अभी थोड़ा दिन का गड़बड़ था, तो यहाँ से अर्टिल ऑयल लेके गए, तो इसको सब कुछ करने के बाद अभी थोड़ा ठीक हो गया है। हाँ। तो इसीलिए फिर आपका पास आया हूँ इसको गवाही देने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश, सिर पे हाथ रखेंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर आपने आज बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने सुना भी कि पथरियां गई, रसोलियां गई, ट्यूमर गई, सिर की इंजरी थी और करें एक्सीडेंट हुए, आज़ाद किए, पाइल्स, बवासीर की प्रॉब्लम, पथरियां, बच्चे हुए, यूएसए के, कनाडा के वीजे आए, एक साथ बहुत सारी ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में देख रहे हैं, मेरे प्रभु जो चर्च में बैठे हैं, पवित्र आत्मा आज वो अभिषेक इनके ऊपर ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इसी समय परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनके खत्ते भरे पूरे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो बीज बो रहे हैं एक्सिस बैंक में अकाउंट में, पवित्र आत्मा जो भी परमेश्वर इंडिया से बीज बो रहा है, पवित्र आत्मा जी उनके घर पर, पवित्र आत्मा जी खुशखबरी वाले एंजल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद, जोर से तारीफ करो, जाएं शाबाश 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 शाबाश। किसी को घर मिला, किसी को कार, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जाओ जाओ शाबाश, टाइम नहीं बेटे अब जाओ,
प्रभु ने आपकी गवाहियां बनाई, आप यहां पर खड़े हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। फिर से कहूं, फिर से खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों थोड़ा शर्माओ, तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हाथों को उठाओ, जिन्होंने बीज नहीं बोया वो अपने हाथों को उठाएं, जिन्होंने बोया है वो भी अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर आज का दान इनके लिए सच में परमेश्वर बहुत बड़ी गवाही लेकर आए यीशु के नाम में। आमेन। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे, प्रभु कोई बड़ी आशीष इनके ऊपर खोल दे, आशीष को खोल। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा आप खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप बोल रहे हैं आज। पवित्र आत्मा सच में मैं देखता हूँ इसी समय, जैसे अंधे की आँख को छुआ चंगा हो गया, तूने पतरस की सांस को छुआ उसका बुखार चला गया, एक स्त्री ने, लहू बहने वाली स्त्री ने, उस रोग में जो पीड़ा में थी, उसने जब तेरे कपड़ों को छुआ वो चंगी हो गई। मेरे प्रभु जब ये सच में परमेश्वर इस मिस्ट्री के लिए दुआ करें, पिता परमेश्वर तू छू लेना आज इनके मन को यीशु के नाम में, ये सच में आशीर्वाद निकालें परमेश्वर, छू ले इनको, ये बीज बो रहे हैं इन्हें छू ले यीशु मसीह के नाम में, ये वचन को सुनने के लिए अपना टाइम निकाल कर आए हैं, ये तुझे छू रहे हैं परमेश्वर। सच में जो वचन को सुनता है मानता है वो परमेश्वर के दिल को छू लेता है, और प्रभु आज पवित्र आत्मा जो भी इनका काम है तो इनको छू कर चंगा कर यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूँ आमीन। आज बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी का दिन है आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो मेरे लिए खुशखबरी का दिन है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे लिए खुशखबरी आएगी सुबह, बोलो तू बाप बनने वाला है, तू माँ बनने वाली है, बोलो हालेलुया, बोलो तू नाना बनने वाला है, तू नानी बनने वाली है, बोलो हालेलुया। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो तेरे घर कार आने वाली है, तेरे घर नई फैक्ट्री लगने वाली है। क्या आपके अंदर प्रोफेटिक बोल नहीं है, विश्वास वाले बोल नहीं है? बोल दो लाला जी तेरे पैसे सारे मेरे पास आने वाले हैं। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके बोल अच्छे होने चाहिए। आप विश्वास से जब बोलते हैं परमेश्वर सुनता है। आप किसी को आशीर्वाद दे दो कि आपका नशा भागने वाला है, अपने पड़ोसी को बोलो तेरा नशा छूटने वाला है, बच्चे का परिवार का नशा छूटने वाला है, आपका घर बनने वाला है। आशीर्वाद दो एक दूसरे को। आमीन। अपने पड़ोसी को गुस्से में हाथ पकड़कर झटक दो, बोलो किराए के मकान पर नहीं रहेगा तू अब। बोलो हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा आप किराए के मकान पर नहीं रहेगा? यस। विश्वास करते हैं? आमीन। ये पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु छू रहे और बरकत दें। फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं। जिस संग है यहोवा, किसे दियो पाते हैं? कोर्स, कोर्स, कोर्स। एक लाइन गाऊं। यहोवा तेरे नाल है। सच में परमेश्वर जो गा रहे आज उन्हें नया बल दे परमेश्वर, जिनका चेहरा ठीक नहीं है, जिनके अंदर आज पवित्र आत्मा वचन सुनने की ताकत नहीं है परमेश्वर, जो इस समय किसी बीमारी से घबराया हुआ है, जो कर्जे को लेकर घबराया हुआ है, जो किसी भी परिस्थिति में फंसा हुआ है, कोई जादू टोने में फंसा हुआ है, परमेश्वर आज एक नया बल दे दे इनके अंदर यीशु के नाम में। प्रभु इनकी सेवकाई में, इनके घराने में, इनकी बातों में नया बल दे दे। मैं इनके शत्रु को यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में।
मैं ब्लाइंड करता हूँ इनके शत्रु को, इनकी समस्याओं को ब्लाइंड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके कर्जों